अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ चिकन वाइट कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही सिंपल, क्विक और आसान रेसिपी शेयर करेंगे। और ये कढ़ाई हम बग़ैर टमाटर और बग़ैर प्याज के बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं पकाने वाले। 1200 ग्राम चिकन हमारे पास वो ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि चिकन जो है पॉट के साथ स्टिक ना हो, क्योंकि पॉट काफ़ी गर्म है हमारा। असल में तो इसके लिए कढ़ाई ही यूज़ करनी चाहिए थी, बस अंदाज़ा करने में थोड़ी गलती हो गई, तो हमने छोटा वाला 3 kg वाला प्रेशर कुकर का पॉट यूज़ किया है। अब इस चिकन को हमने 5 मिनट के लिए भून लेना है। इधर हमारे पास 5-6 ग्रीन चिलीज हैं, 1 होल गार्लिक था, 1.5 इंच का जिंजर का टुकड़ा था, उन सारों को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। ग्रीन चिलीज जो हमने यूज़ की हैं, इंडियन बारीक वाली ग्रीन चिलीज हैं और वो स्पाइसी होती हैं। इधर चिकन को भुनते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच ये जो हरी मिर्चें, जिंजर और गार्लिक हमने चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इस जिंजर गार्लिक के साथ भी इसको 3-4 मिनट हम चिकन को भून लेंगे। फ्लेम हमारा हाई ही है थ्रू आउट, 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसमें 1/2 कप योगर्ट का डालेंगे, यानी कि 250 ml योगर्ट है जो हमने अच्छे से फेंट के रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही कुछ स्पाइसेस, 1 चम्मच कोरिएंडर का, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब टीस्पून्स हैं, इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो वाइट पेपर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल ऐड नहीं की और उसके बावजूद भी ये खाना अच्छा खासा स्पाइसी और मज़ेदार तैयार हुआ है। मिक्स कर लिया हमने योगर्ट के साथ। अब हम इस पे लिड रखेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। 8-10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम वेरी लो है, हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, दही के पानी में ही ये चिकन पका है और ये इस टाइम पे चिकन गल चुका है जितना हम इसको गलाना चाहते थे। अब इस स्टेज पे हमने इसमें कुकिंग क्रीम ऐड करनी है। 2 चम्मच कुकिंग क्रीम के हमने इसमें ऐड किए हैं, आप चाहें तो 3-4 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ये क्रीमी चाहिए। 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून क्रश्ड काली मिर्चों का, ब्लैक पेपर का ऐड किया। ये 5-7 हमारे पास ग्रीन चिली हैं, पाकिस्तानी हैं, स्पाइसी नहीं होती लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल होती हैं। 1-2 को हमने अंदर से काट लिया और बाकी हमने साबुत ही रहने दी हैं। साथ ही हमने गरम मसाले का 1/4 चम्मच ऐड किया है और कटी हुई जिंजर भी हमने इसमें डाल दी है। इन सारी चीज़ों को हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हरी मिर्चों का बहुत ही मज़ेदार देसी फ्लेवर आता है और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, तो देखने में भी अच्छी लगती हैं, आप इनको खा भी सकते हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। मिक्स कर लिया हमने और अब हम लिड रखेंगे और फाइनली 3 से 4 मिनट के लिए इसे सिमर करा लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, हमने चिकन को सिमर करा लिया है, इसमें सारे फ्लेवर्स ऐड हो चुके हैं, हरी मिर्चों के, गरम मसाले के, काली मिर्चों के। तो ये हमारी वाइट चिकन कढ़ाई इस टाइम पे बिल्कुल तैयार है, ये देखें। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लें अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो, लेकिन हमें चूंकि ये सालन आज खुश्क चाहिए, यानी कि वाइट चिकन कढ़ाई हमें खुश्क चाहिए, तो इसलिए हम पानी नहीं ऐड कर रहे। थोड़ा बहुत हमने इसमें जिंजर ऐड किया है और ये क्वार्टर्स आपने देखा होगा कि लेमन हमने इसमें स्क्वीज़ कर दिया, इससे सारे फ्लेवर्स उठ के आते हैं और बहुत ही मज़ेदार एक जायका बनता है इसका। तो ये तो थी हमारी वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होती है, बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।